जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ बहुत छोटी सी नन्ही सी प्लेयर वुशु तौलु की, बहुत अच्छे अंदाज से इन्होंने अभी मैं देखना प्रैक्टिस कर रही थी, मेरा दिल किया कि इनसे बात की जाए, बल्कि बाद में जब थोड़ी सी बातें खुली तो पता चला ये चैंपियन भी हैं माशाल्लाह। चलो मैं कहा इनसे ज़रूर बात की जाए। सबसे पहले बेटा आपने अपने बारे में अपना नाम अपने अचीवमेंट्स बताने हैं। जी मेरा नाम महरीन है और मैंने 3 नेशनल खेली हुई हैं और इंटरनेशनल में मेरा सिल्वर मेडल है और एशियन वर्चुअल चैंपियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है जी। और नेक्स्ट क्या इरादा है? नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं एशियन के लिए जाऊंगी खुद, अभी तो वर्चुअल में ही मैंने खेली थी तो, और यूथ के लिए भी मेरा प्रोग्राम बन रहा है, वो ट्रेनिंग कर रही हूँ तो इंशाल्लाह उधर भी जाऊँगी। बेटा कैसे ये शौक डेवलप हुआ आपके अंदर कि आपने ये गेम करनी है? किसको देखा था या खुद ही बस आ गया कि नहीं यार मैंने ये गेम करनी है? जी मेरा बचपन से शौक था कि मैं करूं, और जब मैं अपनी कोच के पास मैम अमरीन के पास आई और तब मेरा और दिल किया कि मैं इनके जैसे बनूं और इंशाल्लाह बनके भी दिखाऊंगी। इंशाल्लाह बनके भी दिखाओ। कितनी पूरी उम्मीद हो? मैं बहुत पूरी उम्मीद हूं, अभी ट्रेनिंग कर रही हूं, अभी मैं छोटी एज की हूं और 15 ईयर्स की हूं, आगे इंशाल्लाह मेहनत करूंगी तो अभी बहुत साल पड़े हैं। बहुत साल पड़े हैं मेहनत करने को या आगे बढ़ने को? आगे बढ़ने को। आगे बढ़ने को। आपने छोटी बेटी की बातें सुनी कि देखो जी जज्बा होना चाहिए आपके अंदर कि आपने सर्व करना है, आपने टीम के लिए कुछ करना है तो आपने आगे बढ़ना है, तो आपने छोटी बेटी की बातें सुनी। मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इनसे रابطہ रहेगा और इनको गाहे बगाहे जैसे भी ये परफॉर्म करेंगे तो हम आपको दिखाते रहेंगे। इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, कि ताकि ये बच्चे पाकिस्तान के सामने आए, वो ये वो चेहरे हैं पाकिस्तान के जो हमारी पहचान है, तो हमारी पहचान को जब तक हम खुद पे नहीं पहचानेंगे तो तब दुनिया कैसे पहचानेगी जी। इसलिए इसी मकसद के लिए हम इनके साथ हैं और इंशाल्लाह इनके साथ रहेंगे।